मेरी पिछली वीडियो में काफी कमेंट्स आए कि भाई इधर उधर की बातें तो ठीक है, लेकिन आपका कैमरा कहाँ है? सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसके जवाब के पीछे एक कहानी हो, कहानी मैं इस वीडियो में सुनाऊंगा। मैंने पिछले महीने एक कैमरा बाय किया था जो कि मेरा ड्रीम कैमरा था। वो मेरा ड्रीम कैमरा इसलिए था क्योंकि उसमें 24 मेगापिक्सल एंड फुल एचडी वीडियो और रोटेटेड एलसीडी और ऑटो फोकस था, बस था। तो कैमरा तो ले लिया था, शौक तो पूरा हमारा हो गया था, लेकिन वो फोटोग्राफर्स के लिए एक अच्छा कैमरा है, लेकिन वो ऐसा कैमरा नहीं था जो ज्यादा दिन अपने पास रखो। तो अच्छा, अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे वाइड एंगल लेंस चाहिए, अगर मैं शूट करने जाता हूँ तो मेरे को फ्लेयर लेंस चाहिए। तो अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैमरा दिला दिया था, शौक तो मेरा पूरा कर दिया था। तो अब इस उम्र में उनसे ये कहना कि भाई वाइड एंगल लेंस दिलाओ, ब्लर लेंस दिलाओ, तो ऐसा कहना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने इसे एक महीने चलाया और मैंने जिससे कैमरा बाय किया था मैंने उसे दे दिया, उसने 35% पैसे माइनस करके मुझे दे दिए। अब मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सोनी का कैमरा ले लें या तो एक अच्छा सा मोबाइल ले लें। वैसे तो मेरा ड्रीम कैमरा सोनी का है, अब सोनी तो हमारे बजट से बाहर है, उसको तो रहने ही दो। अब मोबाइल में जो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब इस प्राइस रेंज में अब एक ही फोन बचता है जिसके फ्यूचर तो कैमरे वाले हैं लेकिन प्राइस कैमरे वाले नहीं है। इस फोन आर ट्रूली हेड टर्नर, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब से मोबाइल लिया है मैं इसे चलाने के बहाने ढूंढता हूँ, और मैं जब भी कहीं इस मोबाइल को रखकर जाता हूँ तो एक बार पलट कर जरूर देखता हूँ। तो अब गेस करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, आई गॉट आईफोन 7 प्लस इन रोज गोल्ड कलर। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being... futures ki baat karte hain to इसमें हमें 2900 mAh की बैटरी मिलती है। अगर numbers की बात करें तो iPhone X से भी ज़्यादा है। कैमरे को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो हमें इसमें दो मेन कैमरे मिलते हैं, दोनों ही 12-12 मेगापिक्सल की कैमरे हैं। एक है f1.8 28mm इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ और दूसरा है टेलीफोटो लेंस, जो कि ये पोर्ट्रेट मोड में काम आता है। ये आईफोन का पहला मोबाइल है जिसमें आईफोन ने पोर्ट्रेट मोड ऐड किया था। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें 4K 30fps पर वीडियो बनाता है, जो भाई जो सारे पैसे है ना वो इसके हैं, बाकी हमारी नीड के मुताबिक इसमें सारे फ्यूचर्स हैं। तो भाई अब हमारे को माइक वाइक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल उड़ाओ और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो मैं इस वक्त अभी अपनी छत पर आया हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का, और देख सकते हैं आप तो अब मोबाइल तो हमारे पास आ गया है, लेकिन अगर हमें कभी माइक की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें एक मसला है, जो बोया बाय M1 की जो पिन है, जो उसका जो तार है वो एंड्रॉयड का है और इसमें एंड्रॉयड का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें कनेक्टर चाहिए था। तो मैं मार्केट में बहुत ढूंढ के एक कनेक्टर ख़रीद के लाया, लाइटिंग टू हेडफोन जैक, देख रहे हैं ये आईफोन इधर माइक लगेगा और इस ये आईफोन में लगेगा। तो मेरे को जब मैं ये ले आया घर पर, तो जब मैंने इसको लगाया तो मैंने देखा कि तो भाई काम ही नहीं कर रहा। तो जब YouTube पे मैंने सर्च करा कि काम कैसे करेगा तो मुझे पता चला कि ये आईफोन का ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये 300 रुपये हमारे वेस्ट हो गए। तो अब जो है अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आईफोन की ब्रांड शॉप से लेना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।